दो लड़के पकड़े गए, उनमें से कुछ ऐसे थे जो वहां पर पंडाल के अंदर जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, उनकी गलत गलत तस्वीरें खींच रहे थे, कुछ उनको टच करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ उनसे जो है छेड़छाड़ कर रहे थे, बिना उनकी परमिशन के उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। दरअसल ये गरबा और दांडिया जो है वो देवी माँ की आराधना के लिए होता है। तो सवाल यह है कि जो भगवान को नहीं मानते, देवी को नहीं मानते, वो देवी के नृत्य में क्या करने के लिए जाना चाहते हैं? वो आखिर गरबा और दो दांडिया नृत्य में क्या करने के लिए जाना चाहते हैं? कि जो वहां पर मुस्लिम युवक जो है वहां पर पकड़े गए, जो इन पंडालों में जाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपना नाम बदल कर क्यों जा रहे थे? किसी ने अपना नाम कुछ रख लिया, हिंदू नाम रख करके वो अपना नाम और पहचान छिपा कर जा रहे थे। तो अगर आप अपना नाम और पहचान छिपा कर जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि भाई आप वहां पर गलत इरादों से जा रहे हैं। यही लोग जब कहते हैं, यही लोग जब इस तरह के पथराव होते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना चाहिए अपनी धार्मिक यात्राएं लेकर, तो मुसलमानों को जो है हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में क्यों जाना चाहिए? लेकिन अगर आप हमारे देवी देवताओं को मानते नहीं है, हमारी पूजा पद्धति को मानते नहीं है, तो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में क्यों आना चाहते हैं? लव जिहाद के लिए? मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के कुछ शहरों में गरबा और दांडिया के आयोजनों को लेकर इन दिनों जो कुछ खबरें मीडिया में आ रही हैं, वो खबरें आपने जरूर देखी होंगी। इन खबरों को लेकर देश का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो अर्बन नक्सल गैंग है, देश का जो ये जो सेकुलर, जो सो कॉल्ड सेकुलर जो गैंग है, वो बहुत परेशान है। वो इस बात से परेशान है कि इन गरबा और दांडिया के आयोजनों में आखिर मुस्लिम युवकों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर क्यों बवाल बनाया जा रहा है। क्योंकि आपकी जानकारी में आया होगा कि दरअसल इंदौर में और गुजरात के कुछ शहरों में भी ऐसी घटना घटी कि कुछ मुस्लिम युवक दरअसल गरबा और दांडिया के जो पंडाल थे उनमें घुस रहे थे, और उनमें घुस गए थे कुछ और कुछ घुस रहे थे, तो उनको बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों ने पकड़ लिया और उनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। अब इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि ये गुंडागर्दी हो रही है, कि जिस तरह से बीएचपी और जो बजरंग दल वाले हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि आखिर जो गुंडे, जो जिहादी गुंडे दरअसल बच्चियों को, लड़कियों को छेड़ने के लिए आ रहे हैं लव जिहाद के एंगल से जो है गरबा नृत्य में और जो है जो दांडिया के आयोजनों में आ रहे हैं, उनकी पिटाई नहीं हो तो फिर क्या होना चाहिए? क्योंकि आप देखिए ये पूरा मामला जो है आपने देखा होगा, दरअसल जो लड़के पकड़े गए उनमें से कुछ ऐसे थे जो वहां पर पंडाल के अंदर जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, उनकी गलत गलत तस्वीरें खींच रहे थे, कुछ उनको टच करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ उनसे जो है छेड़छाड़ कर रहे थे, बिना उनकी परमिशन के उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। अब ये बताइए कि अगर आपकी माँ बहन के साथ, आपकी जो है किसी रिश्तेदार के साथ अगर कोई उन बिना बताए उस बच्ची की फोटो खींचे, उस लड़की की फोटो खींचे, उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करे, उसको जो है परेशान करे, उसके साथ छेड़छाड़ करे, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी पिटाई नहीं करेंगे तो भला क्या करेंगे? क्योंकि ये मामला कोई इतना सरल नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है इसको, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी है। और दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में, ये जो पूरा विवाद जो कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पक्ष है वो दरअसल ये है कि गरबा और जो दांडिया, ये जो है दांडिया के आयोजन होते हैं, ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि ये कोई डांस कल्चरल इवेंट है, कोई ये डांस फेस्टिवल है। दरअसल ये गरबा और दांडिया जो है वो देवी माँ की आराधना के लिए होता है। नवरात्र में जो नृत्य किया जाता है, गरबा किया जाता है, गरबा जो है देवी माँ की पूजन शुरू करने से पहले, और उसके बाद जब माँ का पूजन हो जाता है उसके बाद जो है माँ अम्बे के लिए जो है फिर दांडिया जो है नृत्य होता है। तो ये दोनों जो है धार्मिक एक नृत्य है, ये धार्मिक जो है परंपराओं से जुड़े नृत्य हैं। अब आप देखिए कि जो देवी को नहीं मानता, मुस्लिम जो है, मुस्लिम तो ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम देवी को नहीं मानते, इसलिए आपने देखा होगा कि भगवानों की, देवी की प्रतिमाएं और मंदिर जो है विखंडित कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। तो सवाल यह है कि जो भगवान को नहीं मानते, देवी को नहीं मानते, वो देवी के नृत्य में क्या करने के लिए जाना चाहते हैं? वो आखिर गरबा और दो दांडिया नृत्य में क्या करने के लिए जाना चाहते हैं? और फिर सवाल ये भी उठता है कि जो वहां पर मुस्लिम युवक जो है वहां पर पकड़े गए, जो इन पंडालों में जाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपना नाम बदल कर क्यों जा रहे थे? किसी ने अपना नाम कुछ रख लिया, हिंदू नाम रख करके वो अपना नाम और पहचान छिपा कर जा रहे थे। तो अगर आप अपना नाम और पहचान छिपा कर जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि भाई आप वहां पर गलत इरादों से जा रहे हैं। और मेरी कई मुस्लिम मौलानाओं से बात हुई,
और मुस्लिम मौलानों ने कहा कि हमारा मजहब जो है हमको इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम मंदिर जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम लोग तो मस्जिद में जाकर भी और बाकी जगह भी जाकर भी, हिंदू तो कहीं पर भी, बड़ा सेकुलर है हिंदू, वो तो कहीं पर भी जाकर मत्था टेक लेता, सबको कहता है सब सारे भगवान जो है एक है, तो हिंदू तो सबको मान लेता है। लेकिन आपने देखा कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम कहते हैं और ईसाई कहते हैं कि भाई हम मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, हम आपके भगवान को नहीं मानते। तो सवाल है कि जब आप हमारे भगवान को नहीं मानते, जब आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जब आप माँ अम्बे को नहीं मानते, माँ दुर्गा को नहीं मानते, तो फिर आप दांडिया और गरबा नृत्य में जा किस लिए रहे हैं? आपको नहीं जाना चाहिए जहां पर पूजा, ये तो पूजा की एक रीत है। आपको और आप तो कहते हो ना कि अगर आपने मूर्ति पूजा कर ली, इस्लाम तो ये कहता है ना, जो मुस्लिम मौलाना था वो तो ये कहते हैं ना कि अगर आपने मूर्ति पूजा कर ली तो फिर आप इस्लाम से बाहर हो गए, आप काफिर हो गए। तो फिर क्या आप दांडिया नृत्य में जा रहे हैं, गरबा नृत्य में जा रहे हैं, तो आप काफिर नहीं हो जाएंगे? क्या जरूरत है आपको इन गरबा और दांडिया के कार्यक्रमों में जाने की? तो फिर अगर आप गलत इरादे से जा रहे हैं तो फिर आपके साथ ये होगा। और फिर आप देखिए कि जैसे ये इन लोगों की पिटाई की बात आई, जो देश की, जैसे मैंने कहा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और देश की जो सो कॉल्ड ये जो अर्बन नक्सल और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, इन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी कि मुस्लिम युवक क्यों नहीं जा सकते। किसी ने, एक महिला पत्रकार है, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, प्रिय मुस्लिम भाइयों, ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक आयोजन है। जिस धर्म को आप मानते नहीं, जिस धर्म को आप काफिरों का धर्म कहते हैं, उनके कार्यक्रम में आप उनके धार्मिक अनुष्ठान में क्यों जा रहे हो? तो उस पर स्वरा भास्कर जो है, उनको मिर्ची लग गई। आप जानते हैं स्वरा भास्कर किस तरह की, जो बी ग्रेड की, जो बी ग्रेड, बल्कि बी ग्रेड क्यों मुझे कहना चाहिए, बी कैटेगरी की सी ग्रेड हीरोइन है। स्वरा भास्कर ने क्या कहा? स्वरा भास्कर ने कहा कि संगी दिमाग है, इतना छोटा दिमाग होता है, मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते, ये वो, इस तरह से स्वरा भास्कर ने उसको रिएक्ट किया। तो अब आप बताइए कि स्वरा भास्कर जिस तरह से इस पूरे मामले पर आई, बाकी लोग जिस तरह से आए, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? क्या इनकी मंशा ये है कि गरबा और दांडिया में मुस्लिम युवक जाने चाहिए? अरे जब हिंदू धार्मिक प्रतिष्ठानों से, हिंदू धार्मिक संस्कारों से, हिंदू धार्मिक जो परंपराओं से आपको इतनी चिढ़ है कि जब रामनवमी की, हनुमान जयंती की जब शोभा यात्रा निकल जाती है, उस पर आप पत्थर मारते हो, और जब पत्थर मारे गए थे तो कई लोगों ने सवाल उठाया था, जब मस्जिद के सामने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, तो कई लोगों ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में ये शोभा यात्रा हिंदुओं की जाती क्यों है? कई लोगों ने इसको लेकर सवाल उठाया कि हिंदू जो यात्राएं हैं उनको मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम इलाके कोई पाकिस्तान नहीं है। लेकिन अगर आप शोभा यात्रा का इतना विरोध कर सकते हो, शोभा यात्रा पे पथराव कर सकते हो क्योंकि वो मुस्लिम इलाकों से जा रही है, तो फिर आप हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में क्यों जा रहे हो? वहां पर आप क्यों जा रहे हो? तो यही जो गैंग है, जो स्वरा भास्कर एंड कंपनी जैसे जो टुकड़े टुकड़े अर्बन नक्सल गैंग है, यही लोग जब इस तरह के पथराव होते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना चाहिए अपनी धार्मिक यात्राएं लेकर। तो मुसलमानों को जो है हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में क्यों जाना चाहिए? और ऐसे आयोजनों में जहां पर महिलाएं बच्चियां जो है वो दरअसल माँ देवी की उपासना के लिए नृत्य करती है, आपके लिए वो नृत्य जो है तमाशा हो सकता है, आपके लिए वो नृत्य जो है वो कोई जो है वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो पूजा है, माँ की आराधना है। और उस माँ की आराधना स्थल पर अगर आप जाकर के इस तरह से आप जाकर के अगर वहां पर महिलाओं को छेड़ने के लिए जा रहे हैं, अगर आप वहां जाकर महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो आपकी पिटाई अगर लोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो जायज है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले, उनकी गलत तरीके से तस्वीर खींचने वाले, बिना उनकी अनुमति के तस्वीर खींचने वाले के को पिटाई समाज करता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों की पिटाई होगी तो इसमें कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये पूरा मामला जबरन जो है बनाया जा रहा। और मैं अंत में ये भी आपको बता दूं, आपकी जानकारी में होगा, मद्रास हाईकोर्ट में तो बाकायदा कई मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने जाकर के, संगठनों ने एक याचिका लगाई थी कि हिंदुओं की शोभा यात्राएं मुस्लिम इलाकों से ना निकले, इसके लिए बाकायदा कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। तो एक तरफ आप लोग जाकर के कोर्ट में कहते हो कि हिंदुओं की धार्मिक आयोजन जो है, हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं जो हैं वो मुस्लिम इलाकों से ना निकले, दूसरी तरफ आप हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में
जबरदस्ती घुसना चाहते हो। अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कई जगह पर लोगों ने जो है जो ये जो गरबा और दांडिया का आयोजन करते हैं, इनके आयोजनकर्ताओं ने कई जगह पर अपने पंडालों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ऐसा कभी नहीं हुआ, हिंदू कभी ऐसा नहीं करते थे, वो सबका स्वागत करते थे। कुछ लोगों को यह खराब लग सकती है बात कि ये क्या तरीका हुआ, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन आखिर हिंदू करे तो करेंगे, अपनी बहू बेटियों को अपनी बच्चियों को बचाने के लिए अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि पहले तो सभी जाते थे धार्मिक आयोजनों में, लेकिन ये जो धार्मिक आयोजनों में पहले सबके लिए द्वार खुले होते थे, लेकिन अगर आप हमारे देवी देवताओं को मानते नहीं है, हमारी पूजा पद्धति को मानते नहीं है, तो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में क्यों आना चाहते हैं? लव जिहाद के लिए? क्योंकि लव ये घटना भी ये तथ्य भी कई लोग सामने ला रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में गुजरात में, मध्य प्रदेश में जो लव जिहाद के मामले हुए थे उनमें से कई मामले जो हैं वो और कहीं नहीं, वो दरअसल गरबा और दांडिया के आयोजनों में से निकले थे। क्योंकि गरबा और दांडिया के आयोजनों में ये मुस्लिम जो है जिहादी जो है जो लव जिहाद के लिए जो जिनको मस्जिदों से और बाकी जगह से पैसा मिलता, फंडिंग होती है, वो लोग नाम बदल करके इसी तरह से ऐसे आयोजनों में जाते हैं, हिंदू युवतियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती गांठते हैं, दोस्ती गांठने के बाद उनको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनका या तो धर्मांतरण कर देते हैं या फिर लव जिहाद केस में उनकी हत्या कर देते हैं। तो इसलिए ये पूरा मामला है, इसलिए हिंदू अगर इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो जो सेकुलर लॉबी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल जो छाती पीट रहे हैं, उनको छाती पीटने दीजिए, वो लोग इसी तरह से परेशान हो रहे हैं, उनको होने दीजिए, लेकिन जो सच है वो आपके लिए जानना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।